जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, मन में उसके कई सवाल चल रहे थे। हमारे गांव की गरीबी कब खत्म होगी? न जाने ऊपर वाला हम गरीबों पर कब अपनी मेहरबानी करेगा? चलते चलते विलियम काफी दूर निकल आता है। यहाँ एक जादूगर जंगल में तीन मुंह वाला जादुई तोता पकड़कर ले जा रहा होता है। अचानक जादूगर के सामने शेर आ जाता है। जादूगर, ए शेर, यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे अपनी शक्तियों से चूहा बना दूंगा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी, इतनी तेज दहाड़ जिससे तोते का पिंजरा खुल जाता है और वो जादुई तीन मुंह वाला तोता वहाँ से उड़ जाता है। ये देख जादूगर बहुत गुस्सा हो जाता है और शेर पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे चूहा बना देता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। विलियम चल ही रहा होता है कि उसे वो तीन मुंह वाला जादुई तोता पेड़ पर दिख जाता है। विलियम तोते के पास आता है। तोता विलियम से पानी मांगता है। विलियम तोते को पानी पिलाता है, जिससे तोता विलियम से बहुत ही खुश था। मैंने कभी तुम जैसा बोलने वाला तीन मुंह का जादुई तोता कभी नहीं देखा। मैंने तो कभी तुम जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा विलियम। मैं एक जादुई तोता हूँ, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। तोता अपना आकार बढ़ाकर विलियम को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे गांव ले जाता है। अब तोता अपने तीनों मुंह से बहुत सारे पैसे निकालता है, जिसे देख विलियम बहुत खुश हो जाता है। विलियम कहता है, मेरे गाँव वाले बहुत ही गरीब है, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? तोता अपने मुंह से बहुत सारा खजाना निकाल देता है। विलियम वो खजाना सभी गांव वालों में बांट देता है और उन्हें कहता है कि अब वो अपना जीवन सही से बिता सकते हैं। अब पूरा गांव बहुत ही खुशहाल हो जाता है। सभी के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हमारे सभी खेत बंजर हैं, क्या तुम कोई जादू कर सकते हो जिसे हम खेती कर सके? तोता अपने मुँह से तीन जादुई ट्रैक्टर निकालता है। तोता कहता है, विलियम उन तीनों ट्रैक्टरों को गांव के सभी खेतों में चलवाता है, जिससे उनके खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। किसी के पास भी अनाज की कोई कमी नहीं होती। यहां जादूगर पूरे जंगल में उस जादुई तीन मुंह वाले तोते को ढूंढ रहा होता है। चलते चलते वो जादूगर विलियम के गाँव पहुँच जाता है और कुछ गांव वालों की बातें सुन लेता है। वो गांव वाले उस जादुई तोते के बारे में बात कर रहे होते हैं। जादूगर कहता है, अच्छा तो तू यहाँ छुपा है तोते, अभी विलियम कहाँ मिलेगा? जादूगर विलियम को अपनी शक्तियों से अपना बंदी बना लेता है। विलियम के पुकारते ही जादुई तोता वहाँ आ जाता है। तोता कहता है, पहले तू इस पिंजरे में कैद हो, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। विलियम तोते को ऐसा करने से मना करता है। फिर तोता विलियम को बताता है कि जादूगर की सारी शक्तियाँ उसकी छड़ी में हैं। विलियम उस छड़ी को तोड़ देता है और जादूगर भी उसके साथ साथ खत्म हो जाता है। शिक्षा, हर जीव से प्रेम करे, चाहे वो दिखने में वो कैसा भी हो, तब ईश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।